हाई तो वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ठीक है अभी ये मेरा न्यू चैनल होने वाला है इससे पहले जो पूजा चंदोला चैनल था उसमें स्ट्राइक आ गई है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया इंस्टाग्राम में भी एंड उसमें भगवान की तरह से पोस्ट हो पा रहा था तो मैंने उसमें भी बता दिया ठीक है तो आप लोग को पता चल चुका होगा मेरी जो चैनल थी उसमें स्ट्राइक आया है बारह वीडियो में स्ट्राइक आया है तो कोई मतलब नहीं बनता अब इसमें मैं कुछ भी कर दूँ कुछ नहीं हो पाएगा सात दिन का टाइम दिया है बट मैं क्या कर सकती हूँ और मैं इतनी फेमस भी नहीं हूँ कि भाई लोग मुझको मेरे नाम से मुझे सर्च करें मेरी नई आइडिया ढूंढें एंड अभी मैं बता रही हूँ थोड़ा बहुत अगर मेरी आंखों से आपको आंसू आते हुए दिखे या तो होते हुए मैं देखूँ तो उसको सिंपथी मत समझना सबसे पहली बात ठीक है और मतलब वो हो जाता है कि आप चाहते नहीं हो बट अपने आप इमोशनल हो जाते हो आप शांत अभी तीसरी बार ये वीडियो शूट कर रही हूँ इससे पहले जब भी मैं शूट कर रही हूँ गंगा यमुना जमुना सब भे रही है तो वो सब मुझे चाहिए नहीं नौटंकी तो मैंने सोचा यार अच्छे से एक बार फिर से बैठ के कि लास्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जैसा होगा आप लोग देख लेना मैम आपको बताती क्या हुआ स्टार्टिंग में मैं नौ साढ़े नौ बजे सो की उठी तो यूट्यूब खोलने की मेरी आदत है मैं स्टूडियो खोलती हूँ डायरेक्ट तो मैंने स्टूडियो खोला देखा तो मैं देख रही थी कोई कॉमेंट वॉमेंट जो पढ़ा हो तो पहले की वीडियोस शो हो रही थी तो मैंने चेक किया जो मैंने आज डाली मैं शेड्यूल करके रखती हूँ तो मैंने वो चेक किया उसमें वो लाइव ही नहीं हुई थी तो मैंने लाइव की वो लाइव ही नहीं जा रही है तो फिर मैंने सोचा क्या हो गया मैंने लैप ऑन किया उसमें चेक किया जैसे मैं स्टूडियो खोलती हूँ आगे से लिखा हुआ आया कि तीन स्ट्राइक है भाई मैं ब्लैंक हो गई जैसे तैसे मैंने वो खोला है मुझे कुछ आता भी नहीं था मैंने खोला अब मैं चेक कैसे करूँ कहा कितना पड़ा मैंने चेक किया भाई एक वीडियो दो तीन चार पाँच छः बारह हुई है सब के सब वीडियोज हैं बिग बॉस के तो बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे हुआ क्या हुआ मैं कमेंट में नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद पागल हुई जा रही हूँ सुबह से मैं क्या बताऊँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उस सिचुएशन में क्या करता है इंसान यार पता मेरा क्या हुआ इंसान रोता होता है मैंने कुछ नहीं किया मतलब आंसू तो आ ही रहे थे मैं शिवर करी थी मैं काँप रही थी पहले कमेंट करके लोगों को कमेंट करके बताना स्टार्ट किया कमेंट पिन करने स्टार्ट करे अपने जल्दी से अपनी आईडी बनाई मतलब ब्लैंक मुझे कुछ नहीं आ रहा था मुझे इतना अजीब सा हो रहा था मैंने कुछ कुछ ही नहीं मैंने जल्दी से अपनी आईडी डी बनाई आईडी बनाने के बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया कि लोगों से इसको सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल जा रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम में क्या हर जगह किया इतना कंट्रोल करके बैठी हूं ना मैं यहाँ पे मुझे ही पता है तो पता है धोने धोने से कुछ नहीं होगा मैं पागल हो जा रही हूँ मेरी बचपन की वीडियोस इसमें डली हुई है मतलब तीन साल से मैं इसको कर रही हूँ बचपन ही है मेरे लिए तो इतना मैंने क्या क्या नहीं किया सबसे पहले बर्थडे व्लॉग डालती थी मैं सरप्राइज करती थी अपनी बहन को तो मैं मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर ट्रैवल करना स्टार्ट करा उत्तराखंड में आस पास जगह पे मैंने वो डाले फिर मैंने कैफ़े को रीच किया कैफे वाली वीडियोस जो बना के डाली मतलब सब कुछ किया यार फनी वीडियो डाली चुगली आंटी बनी हूँ मैं पबजी डिलीट हुआ वो किया शक की गर्लफ्रेंड टाइप ऑफ फ्रेंड्स टाइप ऑफ टीचर्स पता नहीं क्या क्या करा मैंने बहुत ट्राई किया कुछ नहीं हो पाया फिर मैंने एक साल की व्लॉगिंग करी तब भी कुछ नहीं हो पाया फिर बिग बॉस से एक्ट किया उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया फिर मैंने गाने में रिएक्ट किया हिप हॉप सॉन्ग जो आप लोग मांगते हो उसमें लोग बहुत डिमांड आई लोग बड़े सब कुछ हुआ बट ये तीन साल की मेहनत चली जाएगी साइड के साथ अब वो वीडियोस मैं कितनी डाउनलोड करूं पचास से ऊपर मैं डाउनलोड कर चुकी हूं क्योंकि मेरे को यादों के तौर पे अपनी बर्थडे बर्थडे वाली चीजें रखनी थी तो मैंने वो डाउनलोड कर दी है अगर मैं तो मेरे भाई बहनों को समझ में ही नहीं आ रहा नहीं बहन को तो आ गया भाई को समझ भी नहीं आ रहा मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी कह रही कि किस टाइप की जॉब है तेरी छोड़ दे इसको ये काम छोड़ दे तू अच्छे से कुछ और कर ले ये कर ले कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी कितनी मुश्किल से लोगों को बोला था यार मोनिटाइज हो गया अब सब कुछ हो जाएगा जिसका पूरा टाइम यूट्यूब में जाता है जो सोशल मीडिया में अर्निंग कर रहा है ना यार वही मुझसे रिलेट कर पाएगा वो ही समझ पाएगा मैं भी क्या चीज फील कर रही हूँ कितना भी मैं खुश हो जाऊँ, कितना भी पॉजिटिव फील कर रही हूँ बट ये चीज जा नहीं सकती है ना, तीन साल लग गए भाई ऐसा भी नहीं था कि एक वीडियो आपकी चली है और एक वीडियो से आप छा गए हो, उससे आपने कमा लिया है, एक, -एक वीडियो की मेहनत है मेरी बस भाई अगर आप लोगों को कुछ करना है तो दुआ करो कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए भले ही यू मर मर के हों कि मैं घर पर यह कह पाऊँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज है दोबारा तो इतनी मेहनत कर मैं सोचूँ ना अगर मैं सोच सोच में अगर मैं आ रही हूँ ना कि यार तीन साल लग गए हैं और अब अगर मुझे और तीन साल लग गए तो कैसे क्या होगा क्योंकि मुझे पता है मोनेटाइज करना नामुमकिन है अभी कॉपी राइट लगने वाले हैं हर उसमें हाँ मैं रोना नहीं चाह रही हूँ हाँ पहले बता दो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा हो जाता है ये इग्नोर करो बस मतलब इंसान है तो दोनों तो, तो आएगा ही कोई बात नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है कमजोरी नहीं है ये कोई होता है होता कंट्रोल कंट्रोल है है तभी मैं वीडियो नहीं बना रही पता है। अभी छह साढ़े पांच बजे पॉज करके बना रही हूँ मेरे को पता है मैं कितना वेट कर रही हूँ आधे आधा घंटे के गैप में मैं वीडियो बना रही हूँ और सुबह से मैं पागल हूँ मेरा दिमाग खराब हो चुका है मतलब जो कहते हैं ना इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन चिड़चिड़ा हो जाना वो सब हो रहा है मतलब मैं बड़ा फायदा कुछ नहीं है सात दिन है एक मार्च को डिलीट हो जाएगा अभी मेरे को आना था लाइव मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई मैंने सोचा इंस्टाग्राम में लाइव जाके बातचीत करूंगी नहीं हो पा रही है मेरी हिम्मत मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सेकंड चीज अभी मैंने सोचा था कि यूट्यूब में आऊंगी लाइव यूट्यूब में लाइव आके मस्ती करेंगे बीस कैसे पच्चीस हो गए आज तक नहीं आ पाई शर्म आती है मुझे लाइव आने में पता नहीं क्या शर्म आती है अच्छा खासा लाइव आती तो लोगों से बातचीत तो की होती मैंने कभी मैंने अपनी वीडियो में बोला नहीं है कि मुझे लाइक करो कॉमेंट करो सब्सक्राइब करो क्योंकि मुझे पता है जो लोग देखता है वो अपनी मर्जी से ही देखता है ज़बरदस्ती में किसी को नहीं हत्या सकती हूँ तो उसका भी फायदा नहीं है कल ही मैं वीडियो बना रही थी तीन चार होम दिल्ली वाला भी इतनी रिक्वेस्ट थी वो वीडियो बनाई है उनका न्यू सॉन्ग आया उसमें वीडियो बनाई है और का गाना आया था माही आजा उस आजा माही उसमें वीडियो बना के रखी हुई है पोस्ट करी शेड्यूल करके रखी है उस चैनल में क्या फ़ायदा वो डल ही नहीं सकता वो डलेगा नहीं अब मैं इसमें सब कुछ डालूँ एंड मैं जितना भी सोच रही हूँ ओवर थिंक कर रही हो तो उससे मेरे एक तो मुझे माइग्रेन है तो उससे बड़ा दर्द होता है पीछे जिसको हमें पता होगा बहुत ही ख़तरनाक छोटे में दर्द होता है वैसा हो रहा है तगड़ा वाला और पूरा जुकाम वुखाम लग जाता है रोते तो वक्त तो ऐसा सा हो जा रहा है तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि कोई बात नहीं पॉजिटिव सोच मैं ये कर सकती हूँ बाकी आप लोग कॉमेंट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी फैला सकते हो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करो एक आई से ही करना जिससे आप लोग मेन देखते हो ठीक है और जो जो देखते हो वो कर दो आ, हाँ नहीं देखोगे रिएक्ट तो फिर करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर उससे क्या होगा ना नंबर बढ़ जाएंगे और आप लोग देखोगे नहीं तो ऐसे पढ़े के पड़े रह जाएंगे बी पॉजिटिव कुछ कर नहीं सकते हम पॉजिटिव ही रह सकते हैं तो मैं वही रहना चाहती हूँ अगर आपको मैं पसंद हूँ तो मुझे देखो नहीं पसंद हूँ तो आप लोग जा सकते हो मेरी वीडियो मत देखो मत सब्सक्राइब करो ठीक है अगर आपको लगता है कि कुछ करा है अभी भी आप जाके मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो गाइस तीन साल पहले की वीडियोस से अभी तक आप लोग देख सकते हो जहाँ पर मेरे बिल्कुल व्यूज पचास व्यूज पड़े थे एक साल की व्लॉगिंग मैंने पचास पचास व्यूज में करी है क्योंकि जहाँ पर मैंने सोच लिया कि मेरे को करना है तो मेरे को करना है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस चीज़ से अर्निंग कर सकती हूँ 2016 से मैं इस चीज़ में हूँ इंस्टाग्राम में जितनी जितनी ऐप है सब में मेरी आईडी है टिकटॉक विकटॉक सब कुछ मैंने चलाया हुआ है सबसे मैंने अर्निंग करी हुई है कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ समझ रहे हो तो वो चीज़ मेरे अंदर है और मैं उस चीज़ को खोना नहीं चाहती हूँ अप्स एंड डाउन आते हैं सब कुछ होता है अब उसके साथ चलना है रोना धोना जितना माता हो चुका है थोड़ा आज रात तक तो हो गई मुझे लगता है तो रोना सब कुछ चलेगा क्योंकि रात में मैं ओवर थिंक करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता है सब चलने वाला है बट कोई बात नहीं आज का दिन है कल से मैं वीडियोज़ बनाऊँगी सब कुछ करूँगी और फिट एंड फाइन हो जाऊँगी ठीक है करते हैं मस्त रहो मजे में रहो बढ़िया रहो मेरे को सपोर्ट करते रहो ठीक है कमेंट बताओ कैसी वीडियो देखनी है क्या देखना है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर बाय